क्या बात है, चुपचाप हो, किसी गहरी सोच में हो, तो परेशानी है। एक बात आपको बता दूं, अपने कंगन में किसी सूरत नहीं दूंगी। फिर क्या करूंगी? जब वो लड़की मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं उसके नाज नखरे उठाऊं क्यों? बस दो जोड़ों में ब्याह कर ले आएंगे उसे। फातिमा, दुनियादारी भी चीज होती है ना, फिर हमारी औलाद क्या कहेगी? जिंदगी भर माँ बाप को कमाकर खिलाया और जब मेरी शादी का वक्त आया तो सूखे सूखे में मेरी शादी कर रहे। औलाद ने सोचा है हमारे बारे में? अरे इसने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ऐसी औलाद को तो चाहिए कि पहले ही अपने माँ बाप का ना गला घोट के मार दे। पागल बनने की बातें मत करो, शादी तय हो चुकी है। आप तुम्हें कुछ खास नहीं कर रहा है, सिर्फ थोड़ी सी अपने रवैये में लचक लानी है। मरती मर जाऊंगी, सामिया को ना कबूल नहीं करूंगी। अरे तो कौन कह रहा है कि सामिया को कबूल करो, सिर्फ थोड़ी सी अपने रवैये में लचक लानी है, वो भी दुनियादारी की खातिर। और जहां तक बात है जेवर की, उसका एक हल है मेरे पास, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि करना क्या है। बहुत अरसे से मैं कुछ कहना चाह रहा था मगर कभी मौका ही नहीं मिला, या फिर ऐसे कहें कि हिम्मत ही ना हुई। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? बाबा। जी बेटा। आप किससे बातें कर रहे थे? किसी से नहीं बेटा। बाबा आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप नई मामा लाएंगे। अब अल्लाह से दुआ करती हूँ। वैसे सामिया आंटी कैसी लगती हैं आपको? सामिया आंटी वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो तो मेरी फेवरेट है। बाबा तो सामिया आंटी मेरी मामा बनेंगी? बाबा बताए ना क्या सामिया आंटी मेरी मामा है? इंशाल्लाह बेटा, सामिया आंटी ही आपकी नई मामा बनेंगी। मैं केवल खेलूंगी और आपको पता है मूवी भी देखूंगी। बहुत बातें करती हो। हाँ सुबह स्कूल जाना है, चलो आओ जल्दी से। स्कूल मुझे नहीं जाना। क्यों? चलो चलते हैं, स्कूल जाना सब।